एमपी के नागौर जिले के भाकरौद सड़क मार्ग पर बीती रात को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दुर्घटना में बोलेरो कैंपर में बैठे 5 से 3 जनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 जन घायल हो गए। एक को हाई उपचार के लिए नागौर रेफर किया गया है। मृतक 2 मुदियाड़ व 1 गोवा का है। सूचना के बाद खींवसर पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को खींवसर की मोर्चरी में रखवाया। कृष्ण कुमार यादव आरपीएस प्रोफेसर ने बताया कि 8 मई को 11:40 पर सूचना मिली कि नेशनल हाईवे पर भाकरौद सड़क पर एक हादसा हो गया। दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को कब्जे में लेकर खींवसर की मोर्चरी में रखवाया। यादव ने बताया कि हादसा ट्रेलर व बोलेरो कैंपर के बीच हुआ। हादसे में मृतक मुंदियाड़ निवासी सुखराम लोहार, मुंदियाड़ के सुनील गिरी व गोवा का नारायण राम लोहार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में लक्ष्मण सिंह व इलाज के बाद मन्नाराम को नागौर रेफर किया गया। सूचना के बाद मुंडवा प्रधान प्रतिनिधि रेवत राम डांगा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हाँ समान गाँव मुंजिया रहा सा जो भी आता है मानपुर गिड़ा मानपुर पास आते समय है अपन भागरो तो तेल भरियो सा तेल भराते समय है निकले एडजस्ट उस समय टेलर ना के उनको टक्कर मार दी। तब इन 3 लोगों की उस समय मौत हो गई थी और 2 को एक नाको रेप गया था एक उसे इधर है। हाँ 3 की मौत थी। उसका नाम एक तो गोवा का था नारायण राम और दूसरा था मुंदियाड़ के 2 थे उसका नाम एक था सुखराम लोहार और दूसरा था अपने ये सोनू उनकी मौत हो गई थी। हाँ नागो रेपर किया था मनीराम लोहार पिताजी के नाम भुंडाराम लोहार है और एक इधर ही है किशन सिंह बेटा वो अपने लिच्छू सिंह किशन सिंह नाम है उसका वो इधर ही बढ़ते हैं क्यों सिर्फ अपने। कल दिनांक रात को 11:30 के आसपास हमारे पास सूचना आई कि बागरोध और टाकला के पास एक पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रेलर और ये बोलेरो कैंपर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोग ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। मैं कृष्ण कुमार यादव आरपीएस प्रोबेशनर मैं जाता रामचंद्र जी एएसआई मुकेश जी सब इंस्पेक्टर सब लोग मौके पर तुरंत पहुंचे। जो लोग मृतक थे उनको हमने खींवसर मोर्चरी में पहुंचवाया। जो घायल थे उनको तुरंत हमने एक को मनाराम को हमने पहुंचवाया जेएलएन नागौर हॉस्पिटल और दूसरे को हम लेकर आए खींवसर हॉस्पिटल जहाँ डॉक्टरों के द्वारा उनको तुरंत उपचार शुरू किया गया जो अभी स्वस्थ हैं और संबंधित परिवार वालों को सूचना दी गई और सुबह इनकी पोस्टमार्टम के बाद इनकी जो शरीर है उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार नजर हर खबर पर।